मात पिता को सुमिर के गुरु को सी सुनवाए। आज सभा के बीच में मेरी गुरुवर करो सहाय। सोने की लंका बनी जहाँ था रावण बलवान, कहाँ बनी किसने किया था लंका का निर्माण। आदरणीय श्रोतागण, आज हम राधे कैसेट के माध्यम से एक जरा सी कहानी आपके समक्ष में समझाने के लिए जा रहे हैं। पाइए गौर करते हैं किस तरह से लंका का निर्माण हुआ, किसने किया, कब किया और कैसे हुआ। इस कहानी की ओर जरा गौर करते हैं। सुनो जी गौर से, ये बात भी पुरानी है। सुनो जी गौर से, ये बात भी पुरानी है। सोने की लंका की उत्पत्ति की कहानी है। करते हैं सोने की लंका जिसमें रावण रहता था, उस लंका का निर्माण कैसे हुआ। गौर करें जरा हमारे शब्दों पर। बात है बड़ी भोले बाबा की कहानी है। रहते हैं पर्वत पे मेरे भोले दानी है। एक दिन पार्वती को रमा ने बुलवाया। सोने की लंका सोने के में भोजन उमा को करवाया। यानी एक बार की बात है, भोले बाबा की पत्नी पार्वती माता को लक्ष्मी जी ने अपने घर पर बुलवाया और सुंदर सुंदर महलों में भ्रमण करवाया, सुंदर पकवान बनवाए और उन्हें बड़े ही आदर प्रेम के साथ में घर में खिलाए। उसके बाद में सम्मान करने के बाद में पार्वती ने देखा बड़ी खातिर कर रही है नारायण की पत्नी लक्ष्मी। लेकिन लक्ष्मी ने वहां अरे कसके वही खातिरदारी, उनके घर में भैया लक्ष्मी ने पार्वती को बड़ो सम्मान करो भाइयों। भोजनों करवाओ वो भी सोने की थरिया में लकी। आज पार्वती घरे लौट के आई, लौट के आई गई घरे भवानी। मन में सोची सोची भवानी, बड़ा ही सम्मान किया है नारायण की पत्नी लक्ष्मी जी ने। और उसके बाद में जब पार्वती माँ वहां से लौट करके अपने घर चली जाती हैं, घर आने के बाद में भोले बाबा तो घर पर नहीं थे। मैया पार्वती मन ही मन में सोचने लगी कितनी अच्छी किस्मत है लक्ष्मी की जो सोने के महल में रहती हैं, एक हम भी हैं। शुद्ध मड़ैया उन्हें परी भोले बाबा के देगा। सोचा कहां लक्ष्मी के पति और कहां हमारे पति। पार्वती अपने पति और लक्ष्मी के पति में
तुलना कर बैठी और मन ही मन में सोचने लगी। अरे मन में सोची उठी नारी, अकेले से कहे हृदय की बात। लक्ष्मी, हम तो लक्ष्मी के आगे कछु ना है। कितने अच्छे हैं लक्ष्मी के पति नारायण, अपनी पत्नी का कितना ख्याल रखते हैं। और कहा हमारे पति, वो तो देखने में भी अच्छे नहीं लगते हैं। नाथ हमारे ओ गुणदानी, पर्वत पे छप्पर छानी, बैठी बैठी पर्वत पे और मन ही मन में विचार करने लगी। लक्ष्मी रहती महल के अंदर, कहाँ लक्ष्मी महलों में रहने वाली, और वो सोने के बाजी बार। लक्ष्मी रहती महल के अंदर, पहने गहने सुंदर सुंदर, बहुत सुंदर। अरे मैं रहती पर्वत के ऊपर, संग में बन के बड़ा हरी, इनसे कहे हृदय की बात। सोच रही थी तब तक का भाव भोले बाबा आएगा, और जो भोले बाबा ने मैया को उदास देखो तो एक बात पूछिए पार्वती सी देवी, तुम उदास काए हो? जब जब आंगन में आता दिन इतनो चेहरा मुरझाओ, मैंने तुम्हारो कबू नहीं देखो, का बात है पार्वती? भोले बाबा पार्वती से समझाए के बोले, देवी तो किस कारण से ओ पार्वती, और सुंदर चेहरा मुरझाया है। देवी किस कारण से
बोलो ना क्या हुआ पार्वती। भोले बाबा प्रश्न कर बैठे देवी से। चीज की कमी हो तो बताओ यार मंगवाए यार। रहते कर मन उबी गयो, यहाँ रहते कर मन उबी गयो, तो भी हर को पहुंचा देंगे। क्या बात है पार्वती, बोलो ना इतनी उदास क्यों हो। अरे बोलो अगर यहां अच्छा नहीं लग रहा है तो मायके चली जाओ। पार्वती जी ने जवाब दिया, ना तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बोले आ बोले तो कुछ नहीं, तो उदास क्यों हो, क्या हुआ। जो इतने वचन सुने हैं मेरे भागवत के प्रेमियों पार्वती ने, तो पार्वती ने भोले बाबा से बात कही। भोले बाबा बात जाहे, तो सुने नाथ के बहन मात ने मन की बात बताई। भोले बाबा तो समझाए कि पार्वती जी बोली, लक्ष्मी कहन गए थे, लक्ष्मी कही ना कहा वो। पार्वती जी बोले उन्हें हमें भोजन करवा बहु सोने की थरिया में महाराज। महाराज बने हैं उनके सुंदर नाथ, मैं पर्वत में रहती बोले बड़े शर्म की बात। मेरे बाबा जी भोले बाबा जी पर्वत से मन उबी गयो, मोय महल दियो रे बनवाई। मेरे बाबा जी पर्वत से मन उबी गयो, जवाब दिया है पार्वती ने। भोले बाबा जी समझाए कि नाथ आज हम जब लक्ष्मी कहन गई उनने हमें सुंदर सो भोजन करवाओ, बहु सोने के महल में बैठाए गए सोने की थरिया में महाराज। अब हम जहाँ कहती जब पर्वत में झोपड़ी में रहा तरह था वहाँ मन होगी वो ता से तुम मेले महल बनवाए दो। अब पार्वती समझाए कि भोले बाबा से बोली, महाराज भोले बाबा को पर्वत पे बिठाए के पार्वती ने जवाब दो है भोले बाबा से, प्रभु एक काम करिए आप। और क्या बोली, तो एक दिन पार्वती जी बोली भोले बाबा सो कि एक दिन पार्वती जी बोली भवन बनवाई दे त्यों ना। कहाँ लक्ष्मी जी सोने के महल में रहती हैं, पानी पिए सो सोने के गिलास में, खाना खाए सो सोने की थरिया में, एक हमारी बंद किस्मत पत्ता ना जुते हैं ना। बनवाई दे
शर्म ना आया हमारे घर वाले जब ये नाए जब पर्वत पे झोपड़िया पे देखे हम शर्माए जाती तुम्हें शर्म ना याद बोले बाबा तुम नाय नहीं गये हो। और बोली माता पिता मेरे महल दो महला बैठक बनी सुहाई हमारे इंजल के मायके में देखो माता पिता के मेरे महल दो महला बैठक बनी सुहाई मैं कहते हो मेरे कोई आवे बाबा से पार्वती ने महाराज आप मेरे लिए महल बनवा दीजिए। इतने वचन जो सुने हैं भोले बाबा समझाए के बोले पार्वती बस इतनी सी बात आई कि मैंने तुम मुंह फुलाए बैठी है थी कोई बात नहीं गज्जा बात है तो चिंता मत करो। उसी समय पार्वती के कहने के अनुसार और भोले बाबा ने नाई पल की देर लगाई छोटू क्या हुआ उसी समय भोले बाबा ने विश्वकर्मा को बुलवाया और कहा कि आप जाओ हमारे लिए एक सोने का महल बना करके तैयार करो। उसी वक्त वहां से विश्वकर्मा जी चले और जाकर के समुद्र के बीचों बीच में एक त्रिकूट पर्वत पर एक नगर का निर्माण किया जिसे सोने की लंका कहा गया। माफ करें वैसे जो कहानी हमें सुनने के लिए मिली है वही हम आपके समक्ष में दे रहे हैं, अगर कोई भूल बन जाए तो हमें क्षमा करें और गौर करते हैं। उससे आगे क्या हुआ जब समुद्र के बीच में त्रिकूट पर्वत पर लंका का निर्माण विश्वकर्मा ने किया भोले बाबा से आकर के पूरी बात बताई जवाब दिए महाराज अब आप चलो कहां चले तो विश्वकर्मा समझाए कि बोले महाराज आपके कहने के अनुसार मैंने एक महल का निर्माण किया है महाराज बताएं। नगर त्रिकूट के पर्वत पे विश्वकर्मा ने ठहराया है समुद्र के बीचों बीच एक महल का निर्माण किया जिसे लंका कहा गया त्रिकूट पर्वत पर विश्वकर्मा ने भोले बाबा से जवाब दो है महाराज फिर आई कही निज भोला से प्रभु काम सभी कर आया हूं फिर आई कही निज भोला से प्रभु काम सभी कर आया हूं सोने का नगर समंदर में मेरे नाथ बना कर आया हूं उसी समय खुले शब्दों में आकर के जवाब दिया है महाराज विश्वकर्मा ने भोले बाबा से महाराज
हम समुद्र के बीच त्रिकुट पर्वत पर महल बना करके आए हैं, आप चलो। उसी समय जो भोले बाबा ने सुनी बड़े प्रसन्न भय, अरे भोले बाबा भे का प्रसन्न भय, पार्वती ने जो सुनो वे तो चटकन लगी, चली नाथ कितने अच्छे हैं, मेरे लिए महल बनवा दिया, अब मैं महल में जाऊंगी, सुख चैन से रहूंगी। हम लक्ष्मी जी थोड़ो ताना लगाए पे हमें, हमारे महल बने गए, बड़ी प्रसन्न है पार्वती। वहां से जा रही है, मन ही मन में सोच रही है पार्वती, नहीं मन में सोचा पार्वती ने, मन में भारी मगन महल में जाऊंगी, बैठे बैठे महल में हुकुम बजाऊंगी, अब हम पर्वत में धोरो भांग घोटनी पड़ेगी, आराम से महल में सब के साथ में रहूंगी। सोच रही है मन ही मन में पार्वती जी, मैं रहूं महल के अंदर, रह बाहर नौकर चाकर, पार्वती जी बड़ी मगन है। इधर भोले बाबा ने उस महल के गृह प्रवेश में विद्वान पंडित रावण के पिता विश्वरवा मुनि को बुलवाया, जवाब दिया हम प्रवेश बाद में करेंगे, पहले महल का पूजन करवाएंगे। तो उसी समय महान प्रकांड विद्वान रावण के पिता विश्वरवा मुनि को भोले बाबा ने बुलवाया, और बुलवाने के बाद में तो विधि विधान से महल को पूजन दो करवाए, शंकर जी से दक्षिणा बाबा ने मांगी जाए। विश्वरवा मुनि ने आकर के भोले बाबा से जवाब दिया है, महाराज मैंने आपका महल का पूजन करवा दिया, इसलिए आप हमें दक्षिणा दीजिए, हम घर को जाएं। तो भोले बाबा ने जो इतने वचन कहे जवाब दिया, मांग लो क्या चाहिए तुम्हें। तो उसी समय भोले बाबा समझ नहीं पाए, विश्वरवा मुनि ने भोले बाबा के साथ में चाल की, क्यों, क्योंकि उसने जब महल देखे सोचने लगे कितने सुंदर है महल, कहीं जे हमें मिल जाए तो कितना अच्छा रहे वो, ताई के मारे उनने भोले बाबा से बात कही, लेकिन भोले बाबा बिल की चाल कछ नहीं समझ पाए। तो भाई समय विश्वरवा मुनि ने जवाब दो भोले बाबा से, प्रभु सुनो हम बताएं हमें कहाँ चाहिए कहाँ चाहिए, तो समझाए के जवाब दो महाराज। भोले बाबा ने न जान पाई बिन की बात, नाई चाली समझ कछ पाए, ताबा मुनि ने वचन सुनाए,
मुनि ने जवाब दिया है, महाराज जो आपने महल बनवाए हैं ये आपके महल बड़े सुंदर हैं महाराज भोले बाबा, इसलिए आप एक काम करिए। कौन सा जवाब दिया महाराज कि दे दो मुझे महाराज, देर नहीं करना बड़ी आज से मैंने तुमसे मांगा है कि दे दो मुझे महाराज महल मेरे मन में बसे, दे दो मुझे महाराज महाराज। यही दक्षिणा नाथ हमारी, दक्षिणा कहते हो मांगो, दक्षिणा के रूप में आपके मुझे महल चाहिए। भोले बाबा ने जो सुनो दिमाग में झटका सुनो, लेकिन पार्वती ने जो सुनी मनी मन में घुटन लगी, जाने का मांगो कितनी याद से हमने महल बनवाओ तो। विश्वरूपा मुनि बोले यही दक्षिणा नाथ हमारी, दोगे होगी मेहर तुम्हारी, मेरे मन की हो पूरी मुराद महाराज, मेरे मन की हो पूरी मुराद महल मेरे मन में बसे, दे दो मुझे महाराज। हे भोले बाबा आप मुझे तो गुरु वो दक्षिणा में महल दे दो और कुछ नहीं चाहिए। भोले बाबा ने जवाब दिया तथास्तु, ऐसा ही होगा, जाओ ले जाओ। भोले बाबा ने तो हाँ कर दिया, लेकिन पार्वती जी को ये सब बातें अच्छी नहीं लगी। उन्होंने जवाब दिया पहली पहली बार ये महल बनवाए जिंदगी में, वो भी तुमने इसे धोखे में मांग लिया, कोई बात नहीं ले जाओ, तुमने मेरे साथ में चाल की, लेकिन जाओ मैं इन महलों को श्राप दे रही हूं। क्या मेरे साथ में धोखा तुमने बहुत बड़ो है कियो, कहां समझा था मेरे साथ में धोखा करोगे तुम। पार्वती जी बोली विश्वरूपा मुनि से मेरे साथ में धोखा तुमने बहुत बड़ो है कियो, तब पार्वती ने क्रोध में आई के सांप में लगो दियो, उसी समय पार्वती जी ने श्राप दिया ए महल भोले बाबा के अंश से जलाया जाएगा, इसलिए हनुमान जी ने महल में आग लगाई थी जो शंकर जी के अंशज हैं। उसके बाद विश्वरूपा मुनि वहां से चले जाते हैं, लंका कुबेर को उन्होंने दे दी, लेकिन रावण ने उसके बाद में कुबेर से जबरदस्ती लंका को हासिल कर लिया। इस तरीका से लंका का निर्माण हुआ, किसने करवाया और किसने जाकर के उस पर अधिकार जताया। तो क्षमा करें ये कहानी हम यहीं तक दे रहे हैं कि लंका का निर्माण कैसे हुआ।